और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की, जहां जिलाधिकारी नेहा जैन ने मलासा विकास खंड के छतेनी कम्पोजिट विद्यालय में स्थापित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने उपस्थित बच्चों से शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण वितरण इत्यादि के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर शासन के द्वारा उपलब्ध कराई गई पुस्तक का अधिकारी ने अवलोकन किया। वहीं उपस्थित आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका से पुस्तक के बारे में जानकारी ली। सही जानकारी न देने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका को पुस्तक अध्ययन करने के लिए निर्देश दिए। वहीं कहा कि बच्चों को शिक्षा सही तरीके से दे और उनके स्वास्थ्य का भी उचित परीक्षण कराकर उपचार उपलब्ध कराएं। जिसके बाद जिलाधिकारी ने कम्पोजिट विद्यालय का निरीक्षण किया, जहां उपस्थित कम बच्चे पाए जाने पर जिलाधिकारी ने प्रधानाचार्य को निर्देशित किया कि बच्चों की उपस्थिति शत प्रतिशत सुनिश्चित कराई जाए। वहीं बच्चों के द्वारा शासन के द्वारा उपलब्ध कराए गए जूते, मोजे और पाठ्य पठन की सामग्री समय से उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही उपस्थित ग्राम प्रधान को निर्देशित किया कि कायाकल्प के तहत विद्यालय में रंगाई पुताई का काम सही से कराएं। वहीं जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ बैठक कर शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जा रहे विषयों के संबंध में भी जानकारी ली। जिसके बाद रसोई घर का निरीक्षण किया, जहां रसोइयों को ड्रेस एवं वेतन भुगतान के बारे में प्रश्न किए। उन्होंने कहा कि बच्चों को मेन्यू के तहत निर्धारित मिड डे मील उपलब्ध कराएं। मिड डे मील में भोजन की गुणवत्ता पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाए। वहीं जिलाधिकारी ने बच्चों के साथ राष्ट्रगान भी गाया, जिसके बाद उन्होंने पंचायत भवन का निरीक्षण किया और उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। वहीं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों की मार्केट में उपलब्धता कराए जाने के संबंधित निर्देश अधिकारियों को दिए। जिसके बाद जिलाधिकारी ने पूरे गांव का पैदल भ्रमण किया और साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का गरीब जनता को लाभ अवश्य दिलाया जाए। वहीं गांव में ग्रामीणों के विवाद को निपटाए जाने के लिए उपस्थित खंड विकास अधिकारी, लेखपाल, ग्राम प्रधान, सचिव आदि संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी, मलासा बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा सचिव ग्राम प्रधान के साथ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। विराट 24 न्यूज के लिए कानपुर देहात से सुरेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।